हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमास ऑल इन वन चैनल। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है 31st की नाइट। आज हम मनाने वाले हैं नेक्स्ट डे, आज नहीं नेक्स्ट डे हम मनाने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर। और जाने वाला है 2021 और आने वाली है 2022। हम चाहेंगे कि 2022 बहुत अच्छे से ही हम सेलिब्रेट कर पाएँ, और जो भी कमी रही है 2020 और 21 में, वो सारी जो बीमारी वगैरह थी वो चले जाए। आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैंने बनाया है केक, अभी आप लोगों को दिखाया था, नॉर्मल सा केक मैंने बनाया है घर में, बस उसी को मेरी बेटी कट करने वाली है। टाइम भी हो चुके हैं पूरे 12। अब चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोगों के साथ मैं एक मीठे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो बने रही वीडियो में। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं गाजर का हलवा। तो जिसके लिए हम ले रहे हैं कैरेट्स। कैरेट्स मैंने लिए हैं 1.5 kg। ये देखिए, एक मैं आपको छील कर भी दिखा रही हूँ, बाकी सब मैंने पहले ही छील करके रख लिया है। अच्छे से इस तरह आपको पिलर की सहायता से छील लेना है सबको। और ये चाकू भी मैं लेके मैंने पहले ही रख लिया था। अब इसको हमको क्या करना है, गाजर का जो कैरेट का जो हेड के पास है, इसको हमको अलग कर देना है चाकू से, और पीछे के पार्ट्स को सारे को आप इस तरह से अलग करके अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लीजिए। उसके बाद हम इनको कीस लेंगे। ये मैं अब इसके बाद अच्छे से देखिए सबको मैंने कट कर लिया और वॉश कर लिया है। अब हम इनको कीसनी लेंगे। कीसनी में हमको इसको कीस लेना है क्योंकि हमको हलवा तैयार करना है। तो आवाज़ आपको मेरी स्लो लग रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी गला ख़राब है, मैं बाहर गई हुई थी इसलिए। इस तरह की किसनी तो सबके घर में ही होती है। तो किसनी में इस तरह से गाजर को हमको फटाफट से कीस लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में चला सकते हैं, बट उस तरह का टेस्ट नहीं आता। इधर हमने कढ़ाई भी देखिए ऑन कर ली है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें हमने पहले ही गाजर को इसमें डाल दिया है कीस करके सारा, और ढक्कन लगा करके ढक ढक कर इसको हमको पकाना है जब तक कि गाजर अच्छे से पक ना जाए और वो अपने क्वांटिटी से कम ना हो जाए। तो देखिए इधर हमने इस तरह से पकाया है तकरीबन 20 मिनट्स। उसके बाद इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू और किशमिश। तो आपके पास जो भी है उस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही देखिए हमने अभी इसमें ऐड कर रहे हैं घी। यह है देसी घी, घर का बना हुआ घी, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हो। इस तरह देखिए हम अगर साइड करके डालते हैं तो घी जो है फटाफट गल जाता है, क्योंकि वैसे भी अभी सर्दियों का टाइम है, विंटर सीज़न है, तो घी अब जम जाता है। देखिए बीच में हमने डाल दिया है, ये हमने इसमें यूज़ किया है 2 बड़े चम्मच घी का, 1/2 teaspoon ही है बट थोड़ा सा वो साइज़ में बड़ा है। और इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे देखिए ये फ्रेश क्रीम वाली जो दूध है, मिल्क है, ये हमने यूज़ किया है तकरीबन 200 ग्राम यहाँ पर मिल्क है। अब इनको हमको अच्छे से चलाना है। ये सब प्रोसेस आप तभी करेंगे जब आपके जो गाजर है अच्छे से रंग चेंज हो जाए भूंजते भूंजते, और उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। सारा तो हम दिखा नहीं सकते वीडियो में, हमको शॉर्ट में ही दिखाना पड़ता है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे इस तरह की क्वांटिटी देख करके कि पहले हमने कितना गाजर यूज़ किया था और अब कितना हो चुका है। इस तरह से भी हमको कुछ देर तक इनको भून लेना है जो दूध हमने इसमें ऐड किया है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अब इस टाइम पे हमको इसमें ऐड करना है शुगर। शुगर हम ले रहे हैं, जैसे कि बाउल में मैंने आपको दिखाया था कि 1 बाउल उसमें मिल्क था, थोड़ा कम था 1 बाउल से, बस उसी तरह ही उसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा मीठा कम खाना ही पसंद करते हैं। अब आपको शुगर को ऐड करके इस तरह से कुछ टाइम तक इसको भून लेना है। और उतारने से पहले हम इसमें डालने वाले हैं कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर है जो हमने कूट लिया है कुटली में, और अच्छे से इस तरह से चला लेना है जो शक्कर का जो पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए। ज़्यादा टाइम तक आप इसको ना भूनिए वरना ये हार्ड हो सकता है। बिल्कुल बनकर देखिए स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार है, कैरेट का हलवा, और नए साल के लिए बहुत ही आइडियल है ये। और ये रहा केक। केक मैंने बनाया है अभी रिसेंटली, मार्केट से लाने वाले थे बट
मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बना लूँ जो भी सामान घर में था। बिल्कुल फ्रूट केक है ये, प्लम केक है जो क्रिसमस केक होता है उसी तरह ही मैंने बनाया है। बिल्कुल हेल्दी है, इसी को ही कट करने वाले हैं अभी हम लोग रात में। 12 बज जस्ट बजने ही वाले हैं, 12 बज चुके हैं एवरीवन। अभी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। हम भी केक कट करते हैं। केक की रेसिपी देखनी है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऊपर आई बटन में। और ये रहा केक कट करने वाली है सृष्टि। चलो हैप्पी न्यू ईयर सबको बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बस हम लोग ऐसे ही सिंपल सा हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट बाइट मैं लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट है। हाँ, इजीली कट, मुझसे ठीक से कट नहीं हुआ वैसे। चलो दे दो सबको। अच्छा सब कुछ खा लो। कैसे लग रहा है? यम्मी।